إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم واشترى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار وقال وقال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يتلع عليه الناس

दर्स में हम ये एम हासिल करेंगे कि गुनाहों के दिल पर क्या असरा होते हैं यानी गुनाहों के दिल पर होने वाले बुरे असर पिछले दर्स में हमने देखा था कि तकवा अख्तियार करने के क्या फ़ायदे हैं कि इंसान अगर तकवे को अख्तियार करे अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करे नेकियों में सबक़त करे तो अल्लाह दुनिया व आखिरत में उसके लिए क्या इनाम रखे ये हमने पिछले दरस में देखा था इन आज के इस दरस में हम देखेंगे कि जो इंसान गुनाह करता है और गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है और उसे तोबा नसीब नहीं होती तो ऐसे शख्स के लिए दुनिया और आखिरत में क्या नुकसान है उसमें खसूसी तौर पर दिल पर उसके होने वाले जो बुरे असरात हैं मुजीर असरा हैं इल्ला और हदीस की रोशनी में और सल साल के अकवाल के ज़रिए से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको गुना के तल्ल से बताऊँ कहते किसे गह हर उस काम को कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल के मुखालफ अमल किया जाए मतलब अल्लाह तआला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम ने हमें जिस चीज़ से रोका हम उससे ना रुके बाज ना आए तो वो गुनाह कहलाएगा यानी इसको हम नाफरमानी कहेंगे मासियत भी इसको कहा जाता है लेकिन इसको समझने के लिए हमारे नबी मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन एक बहुत अच्छी तारीफ बताई जो कि हदीस में सही मुस्लिम जिल्द सुवम में यह हदीस जो है हमें मिलती है कि अल्लाह के, अल्ला के रसूल वसल्लम से पूछा गया कि नेकी क्या है और गुनाह क्या है तो आपने फरमाया अल अलबरुसनूब कि नेकी अच्छे अखलाक है इंसान अच्छे अखलाक से पेश आए तो नेकी है और गुनाह के बारे में यानी इस्म के बारे में कहा अल इस्म अल्स्म महाकफी सदरक एक रिवायत में आता है महाकफी नफसिक कि इंसान अपने नफ्स में अपने सदर में अपने दिल में खटक महसूस करे जब वो गुनाह करने जाए तो समझ जाए कि वो गुनाह है एक इंसान ऐसा अमल करने जा रहा है जिससे उसके दिल में खटक पैदा हो रही है उसका दिल कह रहा है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए और ये फितरत इंसानी है कि बुरा काम उसका दिल नहीं चाहता करने के लिए लेकिन माल की मोहब्बत रिश्तेदारों की मोहब्बत बच्चों की मोहब्बत बीवी की मोहब्बत औरतों की मोहब्बत दुनिया की जो चीज़ें अल्लाह सुबहाना तैयार ने मजयन तो कर दी है इंसान के लिए इंसान उसमें जब बढ़ जाता है अल्लाह की मोहब्बत को कम कर देता है तब तो उसके लिए गुनाह करना आसान होता है फिर उसके दिल में खटक भी पैदा नहीं होती लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं से आवाज़ देता है कि यह गलत हो रहा है तो अल्लाह के रसोल सल्ला वसम् ने गुनाह की बहुत अच्छी तारीफ बताई क्या फरमाया अस्मु अल इसमु माह कफी सदरिक कि तेरे दिल में जो है क्या हो घटक पैदा हो वो करे तो और तो इस बात को करायत करे या ऐसा तो पसंद ना करे कि ये बात लोगों के सामने आया हो जाए लोगों के सामने ये बात आ जाए मतलब तन्हाई में तुम्हें काम करते हो और तुम्हें डर लगा रहता है कि कहीं लोगों के सामने बात आ ना जाए लोगों को पता ना चल जाए तो समझ जाओ क्या है वो गुनाह है तो एक तारीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह के ताल्लुक से बताई गुनाह के ताल्लुक से पुरानी मजीद में बहुत सारे अल्फाज आए हैं जैसे फिस ये भी गुनाह के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है एसियन इसे भी गुनाह के लिए इस्तेमाल किया गया है, है वाव बे जंगब इस्म फसाद इस ऐसे नौ अल्फाज पुराने मजीद में गुनाह के लिए इस्तेमाल किए गए जो डायरेक्ट ये बताते कि ये नाफ़रमानी है इसके अलावा भी कुछ अल्फाज है जो इनडायरेक्टली उसका माना देते हैं लेकिन ये नौ लफ्ज़ नौ अल्फाज ऐसे हैं जो अल्लाह सुबाला तैल ने कुरान मजीद में नाफरमानी और मासीत के लिए इस्तेमाल किए गए इस्तेमाल किए हैं ये सब गुनाह में शामिल है तो गुनाह को हम मुख्तसर सा ऐसा समझे अल्लाह और उसके रसूल सल्लाम की नाफरमानी इसे हम गुनाह कहेंगे और जो चीज़ आपने मना कर दी उसे करना भी गुना है और जो चीज़ आपने करने के लिए कही है जो फरज़ में वाजिबात में शामिल है और उसको हम ना करते हैं तब भी वो गुनाह रहेगा अब हम अपनी बात की तरफ आते हैं गुनाह जो है दो किस्म के होते हैं कबीरा गुना और सगी गुना कबीरा गुना इन्हें कबैर यानी बड़े गुनाह कहा जाता है जैसे कुरान मजीद में अल्ला ने कहा अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ़ कर देंगे कबीरा गुना क्या है मुख्तसर अलग अलग अहदीस में जो है इनके ताल्लुक से बयान किया गया है लेकिन सारी अहदीस को एक जगह जमा किया जाए तो मोटे गुनाह जो हदीसों में आते हैं यानी बड़े गुना कबीरा गुना जैसे हैं अल्लाह के साथ शिरक करना जादू करना कराना वालदेन की नाफरमानी करना शराब पीना जिना करना जुआ खेलना ऐसे बहुत सारे कबायर हैं बहुत सारे जो है अल्माने और सलफ़ साल ने इनकी गिनती निकाली है किसी ने चार किसी ने सात और किसी ने सत्तर तक इसको गिनाया है अलकबायर किताब आप पढ़ेंगे इमाम जौजी की उन्होंने सत्तर कबायर बताए ताकि कबीरा गुना जो है सत्तर है ऐसे और भी हमारे असलाफ ने कबायर के ऊपर किताबें लिखी हैं जिन्होंने सत्तर से कम इन गुनाहों को गिनवाया है तो ये कबीरा गुनाह है पुरानी मजीद अगर हम पढ़ेंगे तो इन शाल हमें खुद पता चल जाएगा और अहादीस का मताल करेंगे तो कबीरा गुना क्या है और सगीरा गुना क्या है हम इसकी तफसील में ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं लेकिन सहाबा रज़ी अजमैन की जमात और ताबाइन तब ताबाइन इस बात पर लोगों को उभारते हैं कि सगीरा गुनाहों से भी बचो क्योंकि सगीर गुनाह जब ज़्यादा कसरत से किए जाते हैं तो वो कबीरा बन जाते हैं और कभी कभी एक इंसान का सगीरा गुना करना उसको लगता है कि उसने सगीरा गुनाह किया है लेकिन जब वो अमल करता है और उसको देख कर कई अफराद उसके कदम कदम पर चलते हैं उसके पीछे पीछे चलते हैं तो वो उस इंफरादी शख्स का सगीरा गुना क्या बन जाता है कबीरा गुना बन जाता है इसलिए सगीरा गुनाह को भी हम मामूली ना समझें खैर अब हम आते हैं अपनी बात की तरफ कि गुनाहों के दिल पर असर क्या होते हैं सबसे पहला जो असर इंसान के दिल पर गुनाह का होता है वो गुनाह की कसरत की वजह से होता है और ये सबसे खतरनाक और सबसे बुरा असर है जो एक इंसान के दिल पर होता है वो है इंसान के दिल को गुनाह सिया कर देते हैं सिया करने से मुराद यहाँ पर उसकी अतलाह में आता है कि उस पर मोहर लग जाती है वो इंसान हिदायत से महरूम हो जाता है इस बात को हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह बयान फरमाया क्या आप फरमाते हैं ये इबन माजा की हदीस है जल सुवम में हजरत अबू हुरैरा रज़ी हरेरा रजील जिसके रावी हैं वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन जब गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक सिया दाग एक सिया धब्बा लगा दिया जाता है यह सिया धब्बा कैसे होता है हम इसको देख नहीं सकते गैब की चीजें क्या सिया धब्बा लगा दिया जाता है लेकिन जब तोबा कर लेता है तो अपने गुनाह का एहसास होता है अल्लाह ताला से माफी मांगता है और दोबारा उस तरफ ना जाने की वो नियत कर लेता है तो वो धब्बा उसके दिल से साफ कर दिया जाता है उसके अस्ताफ़ार और उसके तोहबा की बदौलत और इसका दिल चमक कर साफ हो जाता है लेकिन अगर ये गुनाह पे गुनाह करता जाता है तो वो धब्बा बढ़ बढ़कर जो है पूरे दिल को सिया कर देता है जब उसका दिल सिया हो जाता है तो हिदायत उस तक नहीं पहुंच वैसे ही अगर वो तोबा कर ले तो उसका दिल जो है चमक जाता है यानी उस पर चमक आ जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान नेकियों में आगे बढ़ता है और उसका दिल जो है रोशन हो जाता है फिर गुनाह उसकी तरफ नहीं भटकते ऐसे दो रिवायतें यहाँ पर इसके ताल्लुक से बयान की गई हैं कि इंसान जब गुनाह करते जाता है तो दिल, दिल जो है सिया होते जाता है और जब नेकियां करते जाता है तो दिल उसका मुनवर होते जाता है इसीलिए जो है पुरान मजीद में सूरे सुरफ़िन अगर आप पढ़ेंगे तेरह चौदह नंबर की जो आयत है अल्लाह सुबहाना तरमाया कला क्या फरमायानी गुना से डरते रहना क्यों है हमें क्योंकि इनके हरगिज नहीं इनके क्लूबों पर जो है ये जो रोक लग गई है ये जो रुकावट आ गई है ये किस वजह से है अल्लाह सुबहान तौर मजीद में बहुत सारी जगह पर इसका जो है इशारा किया कि इंसान को जो मुसीबत और परेशानी और तकलीफ पहुंचती है वो उसके गुनाहों की वजह से पहुंचती है तो इस हदीस से हमें क्या पता चला कि इंसान जब गुनाह करता है तो दिल सिया हो जाता है और नेकियां करता है तो दिल मुनवर हो जाता है दूसरा नुकसान इंसान जब गुनाह करता है तो उसका दूसरा नुकसान उसके दिल पर क्या होता है इल्म से महरूमी दूसरा नुकसान क्या है उसका इल्म से महरूमी इल्म से महरूमी ये भी एक दिल की बीमारी है क्योंकि इल्म का ताल्लुक दिल से है साइंस कहती है कि इल्म का ताल्लुक दिमाग से है आप देखेंगे बहुत सारी वजुहत इंसान जब बताता है रीजंस बताता है तो वो अपना ताल्लुक दिल से जोड़ता है उस रीजन का जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स है तबीयत उसकी दुरुस्त नहीं है और उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो दिमाग तो कहता है कि एक वक्त गुजर गया है खाना खाना चाहिए लेकिन आप उसको जब कहते हैं कि खाना खाइए तो वो क्या बोलता है मेरा दिल नहीं बोल रहा बराबर है या नहीं वो क्या हम कहता है मेरा दिल नहीं बोल रहा वो ऐसे नहीं बोलता है मेरा दिमाग नहीं बोल रहा बोलेंगे मेरा दिल नहीं बोल रहा है तो सलत साल ने कई सौ साल पहले बता दिया कि दिमाग का और दिल का बड़ा गहरा ताल्लुक है इसलिए कुरान और हदीस में भी जो लम्स हमेशा इस्तेमाल होंगे कल्ब इस्तेमाल हुआ है दिल के लिए तो दिल और दिमाग का बहुत गहरा ताल्लुक है मॉडर्न साइंस बोलती है कि दिमाग ही सब कुछ करता है लेकिन अभी नए रिसर्च बता रहे कि नहीं दिल का भी सोचने समझने में इख्तियार है दिल का भी सोचने समझने में पार्टिसिपेशन है हिस्सा है दिल भी सोचता है अभी नई साइंस बता रही है तो साइंस आती है बदलती रहती है जाती रहती है तो यहाँ पर हमें हमें और हदीस के मुताबिक ये बात समझना चाहिए कि इंसान के इल्म का ताल्लुक भी दिल से है और इंसान जब गुनाह में बढ़ जाता है तो वो इल्म से महरूम हो जाता है इल्म से दूर चला जाता है कुरान मजीद में सूर् हज में आयत नंबर जो है फोर्टी सिक्स यानी छियालीस में अल्ला ने फरमायाब सारूबी क्या फरमाया बात यह है कि सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में होते हैं यहाँ पर अल्लाह ने सीने की तरफ इशारा किया और कहा कि दिल अंधे होते हैं हालांकि अंधा ये जो सिफत है ये जो लफ्ज है हम आंखों के लिए इस्तेमाल करते हैं बिनाई के यानी दि... जिसको दिखाई ना दे तो ना दिखना अंधेरे का छा जाना तारीकी का हो जाना ये आंखों की वजह से नहीं है अल्लाह सुबहाना तला फरमा रहे वो दिल की वजह से मतलब इंसान का दिल जब मुर्दा हो जाता है तो उसको सही चीज भी नजर नहीं आती मतलब वो सही इल्म भी हासिल नहीं कर सकता इमाम शाफी रहमत इमाम मालिक की शागिरदी इख्तियार इमाम मालिक उस्ताद इमाम शाफे शागिर इमाम मालिक के पास पहुँचे इमाम मालिक ने कहा किरात करके सुनाइए इमाम शाफही ने किरात की तो आपकी किरात के अंदाज पर से इमाम मालिक समझ गए कि ये बहुत ही ज़हीन शब्द है अल्लाह सुबाना तला ने इसको बहुत अच्छी सलाहियतें दी हैं तो फौरन कहा इमाम शाफी से कहा कि देखो अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया है और जहानत दी है कहीं गुनाह करके इसको खो मत देना मतलब इमाम मालिक रहमतुल्लाह लाला क्या फरमाते हैं कि इंसान अगर गुनाह करे तो उसका उससे छीन लिया जाता है मतलब इंसान जब गुनाह करे उसका हाफिजा भी कमज़ोर हो जाता है और वो इल्म की बातें भी नहीं समझ पाता है और चाहे वो किसी भी किस्म का इल्म हो तो अल्लाह इल्म का ताल्लुक दिल से रखा है इसलिए आप देखेंगे मूसा सलाम ने भी क्या दुआ की थी रबी शराह सदरी अल्लाह मेरे दिल को मेरे सीने को खोल दे वैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ किया करते थे और हिदायत का ताल्लुक भी दिल से है जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे कि ऐ दिलों को पलटने वाले हमारे दिलों को मजबूती के साथ हिदायत पर जमा दे तो हिदायत का ताल्लुक भी दिल से है हिदायत जो कि इल्म में सबसे अव्वल है जो इंसान को मिलना चाहिए और तमाम वो इसका ताल्लुक दिल से है चाहे वो दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म तो इंसान जब गुनाह करता है तो वो इल्म से महरूम हो जाता है इसकी हम आम मिसाल ऐसे भी समझ सकते हैं हमारा जो दिमाग है उसकी कैपेसिटी है उसकी एक जो है एक लिमिट है वो कुछ चीज़ों को स्टोर कर सकता है हमारा दिमाग सारी चीज़ें स्टोर नहीं करता हम जानते हैं साइंस भी कहती है इस बात को हम कुछ इस, कुछ चीज़ें याद करते हैं और कुछ चीज़ें भूल जाते हैं जैसे हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की ड्राइव होता है उसकी एक लिमिट होती है उससे ज़्यादा आप डालेंगे तो उसमें चीज़ें समा नहीं सकती वैसे ही हमारा दिमाग है वो कुछ चीज़ें अपने अंदर रख सकता है तो जब हम गुना मासी मौसी गाने बजाने फजूल लगुफ़ अपने दिमाग में भर लेते हैं तो उसकी लिमिट खत्म हो जाती है फिर उसमें नेकिया असकार्ज करना अच्छी बातों का सीखना दुनियावी नफा बख्श इल्म का आना सब रुक जाता है बिल्कुल उसकी मिसाल हार्ड डिस्क की तरह है अल्लाह ताला ने उसको बनाया है ऐसे आप देखिए बिल्कुल हम चीज़ें याद करते हैं कभी भूलते भी है जब एक उम्र हो जाती है इंसान का हाफिजा कमजोर हो जाता है अब वो ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पाता तो बिल्कुल वैसे ही है वो हार्ड डिस्क की तरह तो हमें यहाँ पर यह बात पता चली कि इंसान जब गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है तोबा नहीं करता तो वो इल्म से महरूम हो जाता है इसी तरह इमाम शाफे रहमत एक बार इमाम वकी रहमत लाई के पास गए इमाम वकी से फरमाया मेरे हाफिजे में मैं कमज़ोरी महसूस करता हूँ तो इमाम वकी रहमत फरमाते हैं गुनाह करना छोड़ दे अल्लाह तेरे हाफिजे को मजबूत बना देगा क्योंकि इल्म अल्लाह का नूर है और अल्लाह ताला अपना नूर गुनाहगार दिल में दाखिल नहीं करता बड़ी हमत वाली बात बताई उन्होंने कहा कि इल्म अल्लाह का नूर है और अल्लाह ताला अपना नूर गुनाहगार दिल में दाखिल नहीं करता इसलिए जो है गुनाह करना छोड़ दे तो ये बहुत अहम है कि इंसान गुनाहों से अपने आप को बचाए बाहसीत इंसान हमसे गुनाह होंगे लेकिन अगर कोई गलती या मासीत का काम हो जाए तो फ़ौर तोबा कर ले और कोई नेकी का काम कर ले अल्लाह ताला उसके ज़रिए से माफ़ कर देता है तो गुनाह से दूसरा नुकसान ये है जो दिल पर होता है वो ये कि इंसान इल्म से महरूम हो जाता है। तीसरा नुकसान गुनाह का जो इंसान के दिल पर होता है दिल में वहशत तारी हो जाती है क्योंकि अल्लाह तौर पर इंसान को ऐसा बनाया कि वो गुनाह को पसंद नहीं करता कितना ही गुनहगार इंसान रहो जब इज्जत की बात आती है तो देखो आप उसकी गैरत जाग जाती है वो कभी गुनहगार इंसान भी ये बात पसंद नहीं करेगा कि उसकी बीवी किसी गैर के साथ जो रहे किसी गैर के साथ जाए उसके साथ घूमे फिरे हालांकि वो दूसरे गुनाह करता है लेकिन उसकी गैरत उसको इस बात की इजाज़त नहीं देंगी मतलब वो कुछ चीज़ों को गुनाह समझ रहा है कुछ चीज़ों को गुनाह नहीं समझ रहा है ऐसा हुआ क्यों ये ऐसा इसलिए हुआ इंसान जब एक गुनाह में कसरत करता है यानी आगे बढ़ जाता है तो वो गुनाह उसको गुनाह नहीं लगता इमाम नबी रहमत जो ऊपर एक हदीस अपने बयान की कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक ढब्बा लग जाता है उसकी तशरी में उन्होंने लिखा बहुत अच्छी बात कि आपका एक दोस्त है वो किसी ऐसी जगह पर रहता है कि उसके घर के पास में कूड़ा करकट या कोई नाला बहता है गंदी नाली बहती है जहाँ से बदबू आती है आप जाते हो उसके पास और उससे कहते हैं अरे यार यहाँ कैसे रहते हो इतनी बदबू में तो आपका दोस्त का जवाब देता है हमें आदत हो गई या हमारे आम इलाक़ों में अल्फा इस्तेमाल होते जिन हमारे नाक के कीड़े मर गए मतलब हमको आदत है इतने सालों से रह रहे हैं कि अब उसका असर नहीं होता तो वैसे ही इमाम नबी रमत ने कहा कि इंसान जब गुनाह बहुत बार 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 करने लगता है ना तो गुनाह की वैल्यू उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है और जब वो दस बार बीस बार तीस बार कर चुका तो अब इकतीसवीं बार करने के लिए उसको शर्म महसूस नहीं होती उसको ज़रा दिल उसका गवा मतलब दिल में से आवाज़ भी नहीं आती कि गुनाह आदत तो इसलिए वो उन्होंने लिखा कि इंसान गुनाहों को आदत न डाले गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर ले पलट जाए क्योंकि जब इंसान गुनाहों में कसरत कर लेता है तो ऊपर की आदीस उन्होंने फिर बयान की अल्लाह ताला उस दाग को उस धब्बे को बढ़ा देता है और फिर वो पूरा दिल काला हो जाता है फिर हिदायत उसके पास नहीं पहुंचती मोहर लग जाती है उसके, उसके। तो ये बहुत बुरी चीज़ है हमें से बचना चाहिए तो इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर जो है धब्बा लगता है फिर वो सिया हो जाता है फिर हिदायत जब उसके पास नहीं पहुंचती तो हिदायत क्या है रोशनी है तो रोशनी उस तक नहीं पहुंच पाती तारीखी छा जाती है और वो वहशत महसूस करने रखता है क्योंकि उसके पास फरिश्ते नहीं आते उसके पास बरकतें नहीं आती उसके अल्लाह की रहमत उसके ऊपर नहीं होती शयातीन का घेराव उसके पास हमेशा रहता है वो इंसान हमेशा वहशत में रहता है परेशान रहता है तलफ़ साल ने यहाँ तक लिखा है कि इंसान जब गुना बहुत ज्यादा करता है तो वो नेक लोगों से आंखें मिलाकर बात भी नहीं करता वो आंखें चुराता है वो भागता है नेक लोगों में बैठना उसे अजीब महसूस होता है वो बुरे लोगों में रहना पसंद करता है लेकिन वहाँ पर भी उसको सुकून हासिल नहीं होता है पहले वो अपने रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ना शुरू करता है फिर अपने बीवी बच्चों से भी लड़ना शुरू करता है कहा कि ये गुनाहों के असरात हैं उसका दिल बेचैन है तलभ सालीन ने लिखा इंसान गुनाहों में जब बढ़ जाता है तो उसका दिल बेचैन रहता वो वहशत में रहता वो बीवी से झगड़ेगा बात बात पर बच्चों से झगड़ेगा बात बात पर वालदेन से तेज़ आवाज़ में बात करेगा ये सलफ सा नहीं निका और फिर वो दोस्तों में भी ऐसे दोस्तों को पसंद करता है जो गुनहगार है नेक लोगों में रहना पसंद नहीं करता है लेकिन जब वो गुनहगार दोस्तों में जाता है तो वहां पर भी लड़ाई झगड़ा करता है क्योंकि इधर भी शैतान हावी उधर भी शैतान है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो वहशत में अपने आप से भी नफ़रत करने लगता है और ऐसे लोग बढ़ जाते हैं खुदकुशी की तरफ सुसाइड की तरफ और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है एक छोटे गुनाह से जो इंसान तौबा नहीं करता फिर उसको करता चला जाता है तो इसमें सरासर नुकसान ही नुकसान है इसलिए सलफ़ सालइन कहते हैं कि समझदारी अक्लमंदी यही है कि इंसान सिर्फ एक चीज़ पर काबू पा ले गुनाहों से अपने आप को बचा ले वो एक कुर्बानी देता है जो उसका नफ्स उस पर हावी होना चाहता है गुनाह करने के लिए लेकिन अगर वो रुक जाता है तो उसका फ़ायदा उसे यह होता है कि वो अपने हिदायत पर क़ायम रहता है अपने घर वालों के साथ सुकून से सा रह पाता है ये ज़िंदगी उसकी अच्छे से बसर होती है और आखिरत की जो कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है वो उसकी सुकून में गुजरेंगी तो कहा कि फ़ायदेमंद कौन सा सौदा है वो खुद सोचे कि इस गुनाहों की लज्जत से दुनिया और आख़िरत बर्बाद करना या थोड़ा सा इस इन गुनाहों पर कंट्रोल करके दुनिया और आखिरत को बनाना ये समझदार इंसान समझ सकता है कहा कि गुनाहों से बचे ये दिल में वहशत को पैदा करता है चलिए चौथा नुकसान जो दिल पर होता है गुनाह का दिल में तारीख़ी छा जाती है दिल में तारीखी छा जाती है इसको जो है हदीस के एक टुकड़े से हम ऐसे समझेंगे ये हदीस जो है नसाई की है जिल्द दुआम में कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने जो है वजाहत इस तरह से की कि आपने फरमाया वजू करना नसफ ईमान है वजू से इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कहना तराजू को यानी नाम आमाल को भर देता है इंसान जब दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहता है यानी तमाम तारीफ अल्लाह के लिए तो उसका नाम आमाल नेकियों से भर जाता है और फिर फरमाया कि अल्लाह भी जो है इंसान के नाम अमाल को ऐसे भर देता है जैसे आसमान और जमीन को पूरा अजर सवाब से भर दिया गया हो नमाज तो नूर है और जक़ात दलील है और हजत है और सब्र रोशनी है तो यहां पर सब्र को रोशनी कहा गया है और सब्र के ताल्लुक से आता है सब्र ऐसी नहीं की है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जिसको सब्र दिया गया इससे बेहतर चीज उसको कोई नहीं दी गई मतलब अल्लाह ताला ने अगर किसी इंसान पर कोई इनाम नहीं किया लेकिन उसको सब्र की तोफीक दी तो कहा कि सबसे बड़ी नेकी है उसको सबसे बेहतरीन चीज दी गई क्योंकि सब्र से ही इंसान गुनाहों से बचता है इंसान के अंदर गुनाह के दाखिल होने के रास्ते कौन कौन से हैं असलाफ ने लिखा इस पर आंखों से बुरी चीजें देखना ये एक जरिया है गुनाह के अंदर दाखिल होने का हाथ हाथों से इंसान गुनाह करता है पैरों से गुनाह की तरफ चल कर जाता है ये भी गुनाह का रास्ता है ये वो रास्ते हैं जिसके जरिए गुनाह हमारे अंदर आते हैं कान कान के जरिए से इंसान क्या करता है तो मौसी सुनता है गाने बजाने सुनता है गाली गलोच गईबत चुगली सब इससे सुनता है कहाँ के गाह के रास्ते हैं लेकिन इंसान जब इन चीज़ों पर सब्र करता है गुनाह को सुनने नहीं देता खुद नहीं सुनता है आंखों से नहीं देखता है बुरी चीज़ सामने लेकिन वो सब्र करता है तो अल्लाह के रसूल फरमाए जिसको सब्र दिया गया इससे बेहतर चीज उसको कोई भी नहीं दी गई कोई चीज़ नहीं है इसके सामने सब्र के मुकाबले में ये सबसे जबरदस्त चीज़ है आयशा रजना फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सब्र करने वाला हमने किसी को नहीं पाया सब्र बहुत अहम चीज़ है सब्र इंसान का दिल बोल रहा है गुनाह करने का लेकिन वो सब्र करे इंसान का दिल बोल रहा है कि कीमती गाड़ी खरीदे लोन उठाकर सूद पर लेकिन वो सब्र करता है तो उसने अपने आप को गुनाह से बचा लिया इंसान का दिल बोल रहा है बुरी चीजें देखने का लेकिन उसने सब्र किया उसने अपने आप को गुनाह से बचा लिया तो इसलिए हदीस में क्या कहा गया है नूर के सब्र नूर है और नूर यह अल्लाह तआला की तरफ से तो इंसान का दिल मुनवर हो जाता है रोशन हो जाता है वो गुनाहों से फिर अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है अगर वो सब्र करता है तो यहां पर सब्र को नूर कहा गया है लेकिन इंसान अगर सब्र ना करे तो ये नूर उसका छीन लिया जाता है ये नूर उससे छीन लिया जाता है फिर उसकी ज़िंदगी में तारीखी आ जाती है अगर वो फाइव हंड्रेड वैट के बल्ब के नीचे भी बैठा है तो वो टेंशन में बैठा रहता है आपने देखा है लोगों के घर जगमगाते हैं लेकिन जहनी तौर पर वो परेशान है मतलब वो तारीखी में है क्यों क्योंकि उनके पास वो नूर उनके दिल में नहीं है जो सब्र से इंसान के पास आता है गुनाह करने से वो नूर चला जाता है तो दुनिया की आरइश और एक से एक आराम की चीज़ें भी उनको आराम नहीं पहुंचा सकती हम सुनते हैं हम पेपरों में पढ़ते हैं बड़े बड़े मॉडल्स क्या पैसों की कमी है उनके पास बड़े बड़े एक्ट्रेस और एक्टर दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुसाइड कर लेते हैं क्या चीज़ की कमी थी उनके पास क्या चीज़ की कमी थी उनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ थी जिसकी हम ख्वाहिश करते क्या हमें भी मिल जाए उनके पास बड़े बड़े फ्लैट्स और बंगले थे जिसकी हम ख्वाहिश करते कम से कम एक तो मिल जाए दुनिया में उनके पास सोने की चीज़ें डायमंड्स और डॉलर्स और रुपीज और जो भी चीज़ें करेंसी उनके पास थी जब चाहे घूम कर आ सकते थे जिसकी हम छुट्टियों में ख्वाहिश करते फला जगह उनके पास क्या नहीं था फिर उन्होंने सुसाइड किया, उन्होंने सुसाइड क्यों क्यों किया खुदकुशी की उस दुनिया से बेजार क्यों हो गए क्योंकि उनके उन्हों दिल में रोशनी नहीं सहाबा का जमाना आप देखिए उन्होंने कैसे हालात गुजारे पेट पर पत्थर बांधकर लेकिन कैसी मेहनत और कोशिश दिल कैसे मुनवर कि एक सहाबी एक मुल्क में जा रहे पूरे मुल्क के लोगों की हिदायत के, के जरिया बन जा रहे ज़िंदियाँ पलट जा रही लोगों की उनके पास कोई बंगले वगैरह नहीं थे लेकिन अल्लाह ने वो भी दिया उनको लेकिन वो उसमें भी पसंद उसमें खुशी महसूस नहीं करते थे वो नेकियों में खुशी महसूस करते मतलब जो कुछ माल आता तजारत वगैरह का माल गनीमत का सब खैरत करते थे बांट देते गरीबों क्योंकि उनके पास दिल का सुकून था उनको पता था सुकून इसमें नहीं तो ये बहुत अहम चीज़ है कि हम इस बात को समझे कि अगर इंसान गुनाह करता जाता है तो उसका दिल तारीख हो जाता है दुनिया की कितनी भी आरइश और उसके पास आराम हो उसको सुकून नहीं मिलेगा मिसालें मैंने आपको बता दी हम पेपरों में रोज आना पढ़ते हैं ठीक है तो चौथा नुकसान था जो दिल के ऊपर गुनाह का होता है कि तारीखी छा जाती है पांचवा गुनाह दिल को कमजोर और बुजदिल बनाता है गुनाहगार इंसान बुजदिल हो जाता है और उसका दिल कमजोर होता है इसके ताल्लुक से सलफ साल ने लिखा है कि गुनाहगार इंसान के दिल से अल्लाह ताला की अजमत खत्म हो जाती है वो अल्लाह ताला का पास पासो लिहाज नहीं रखता खैर का इरादा कमजोर हो जाता है मतलब उसके पास दो ऑप्शन है इधर जाना है नेक काम करने इधर जाना है बुरा काम करने तो इधर नेक काम करने के लिए उसके कदम नहीं बढ़ते कैसे कमजोर हो जाता है घर में नाच गाना चल रहा है तो बाप चाह भी पूरी चीज़ें टीवी के सामने आती है गंदी चीज़ें आती है बाजू में बेटी बीवी माँ सब बैठे हैं लेकिन उठकर बंद करने की हिम्मत उसमें नहीं होती है तो ये गुनाह को रोकने का उसका इरादा कमज़ोर क्यों हो गया क्योंकि वो खुद गुनहगार है अगर वो नहीं क्यों मैं बढ़ता तो वो ऐसी चीज़ को आने ही नहीं देता तो शैतान क्या करता है उसके इरादे को कमज़ोर कर देता और ये गुनाह से होता है एक वाक़ आपने सुनाऊँगा तो सालीन बयान करते हैं एक गांव था उसमें लोगों ने दरख्त की इबादत शुरू की दरख्त को धागे बांधते कुछ चीजें लटकाते तो उस जमाने के जो नेक शख्स थे वो उठे कहा कि मैं तो इस सिर को ख़त्म करके रहूंगा और वो कुराड़ी लेकर निकले उसको तोड़ने के लिए शैतान आया रास्ते में उनको रोक दिया जब उसने उनको रोका तो वो नहीं माने तो उसने उनको लालच दिया माल की और उस माल की लालच में वो शख्स आ गया फिर उसके बाद वो माल उसको मिलता रहा जब माल रुक गया तो फिर उन्होंने इरादा किया कि अब जाकर उस, जा उस दरख्त को तोड़ दे तो पहली बार जब वो गए तो उन्होंने शैतान को मात दे दी थी उसको हरा दिया था जब वो बीच में उनको रोकने के लिए आया लेकिन दूसरी बार जब गए तो ये मात खा गए तो इनके अंदर कमज़ोरी आ गई क्यों कमज़ोरी आ गई क्योंकि वो गुनाह में घिर चुके थे तखव जब ख़त्म हो जाता है तो दिल में कमज़ोरी आ जाती है गुनाह जब बढ़ जाते हैं तो दिल में कमज़ोरी आ जाती है तो इंसान जब गुनाह में बढ़ जाता है तो वो बुरे कामों को रोक नहीं सकता उसके हाथ आगे नहीं बढ़ते और जब नेक काम करता है तो उसके हाथ में कौन होते हैं अल्लाह सुबाना ताल की ताकत कैसे हदीस में है ना हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि बंदा जब नेकियों में बढ़ जाता है इससे मुराद क्या है पराएस के बाद नवाफिल में बहुत कसरत करता है फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ नफिले भी पढ़ रहा है फ़र्ज रोज़ों के साथ साथ नफिल रोजे रख रहा है बुध का जुमेरात का और दीगर नवाफिल रोजे जितने नवाफिल में जब बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिस आंख से वो देखता है मैं उसके कान बन जाता हूँ जिस कान से वो सुनता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिस हाथ से वो पकड़ता है मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिस पैर से वो चलता है इससे मुराद क्या है इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला उसके हाथों से बुरे काम होने नहीं देता मतलब वो बुरे कामों को रोकता है और हदीस भी क्या है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया जब तुम तुम बुराई को देखो तो उसको अपने हाथ से रोको और उतनी ताकत ना हो तो जुबान से रोको और उतना भी ना कर सको तो दिल में बुरा जानो लेकिन आपने उसको क्या फरमाया दिल में बुरा जानना क्या है अजाफुल ईमान ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है और घर में जब बुराई चल रही इंसान उसको भी ना रोके दिल में बुरा भी नहीं जाने मतलब उसका ईमान खत्म हो गया तो इंसान जब गुनाह करता है तो उसका दिल कमज़ोर हो जाता है वो बुजदिल हो जाता है और इंसान बुजदिल और कमजोर क्यों होता है गुनाह की वजह से गुनाह की वजह से इंसान के ऊपर मुसीबतें आती है और दिल का कमजोर होना भी एक मुसीबत है घबराहट परेशानी दिल में जितनी भी बुराइयां इंसान के अंदर पैदा होती है ये सब गुनाहों की वजह से अल्लाह व तआला ने सूरह निसा आयत नंबर उन्सी में फरमाया मा मिन फरमायासन फमिन फमिन नफसिक वारसलनासी रसूला व कफा बिल्ला शहीदा ऐ इंसान जो पहुंचे तुझे कोई फायदा तो वो अल्लाह की तरफ से है और जो पहुंचे तुझे कोई तकलीफ तो वो तेरे नफ्स की वजह से है यानी तेरे गुनाह के वजह से है और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको रसूल बनाकर भेजा आपको लोगों के लिए और काफी है अल्लाह इस बात पर बतौर गवाह अल्लाह सुबहान रिसालत के तालुक़ से आखिर में बयान किया शुरुआत में लेकिन क्या बयान किया अल्लाह तआला ने तुम्हें जो फायदा पहुंचता है वो अल्लाह की तरफ से पहुँचता और तुम्हें जो तकलीफ पहुँचती है वो तुम्हारे नफ्स की वजह से यानी तुम्हारे गुनाहों की वजह से मतलब इंसान दिल से परेशान है टेंशन में है होता ना लोग बोलते हैं मैं बहुत टेंशन में है फला का टेंशन है और बहुत बेचैनी महसूस हो रही है घबराहट महसूस हो रही है तमाम बुराइयाँ जो है इंसान के गुनाह की वजह से उसको पहुंचती हैं इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ करते और लोगों को भी आप ये दुआ सिखाते थे

आजिज़ी और सुस्ती से आजिजी इंसान किसी के सामने आजिज़ हो जाता है ना कोई उस पर डोमिनट हो जाता है छा जाता है तो आजीजी से बचने के लिए कसल सुस्ती से वलबल और बकीनी से कंजूसी से ये भी बीमारी है वल जुबन और ना मर्दी से वजला दिन व गलबतरजाल और कर्ज के बारे में और लोगों के गलबे के बारे में मतलब ऐसा ना हो कि मुझ पर किसी का कर्ज़ हो और ऐसा ना हो कि कोई मुझ पर गालिब आ जाए मेरा दुश्मन तो दुश्मनों का गालिब होना कर्ज के बोझ के तले इंसान दब जाना घबराहट रंज और कमज़ोरी ये सारी चीज़ें गुनाहों की वजह से होती क्यों क्योंकि ये मुसीबत अला ने इसके तल्ब से सरसा में में फरमा दिया कि जो तकलीफ तुम्हें पहुंचती है तकलीफ किस वजह से है ये तुम्हारे नफ्स की वजह से गुनाहों की वजह से एक इंसान गुनाह से बचे और ये दुआ करे अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा आज मामला ये है तलब सालइन ने लिखा कि लोग कहते हैं लोग मेरे दुश्मन हो गए बहुत मेरे बुराई के बारे में सोच रहे मेरे नुकसान के बारे में सोच रहे तो सीधा फार्मूला बताया गया है आप नेक बन जाइए आपकी हिफाजत कौन करेगा अल्लाह क्योंकि तो आयत के शुरू के हिस्से में क्या फरमाया जो तुम्हें अच्छाई पहुँचती है फ़ायदा पहुँचता है उसे कौन देता है अल्लाह और जब इंसान नेक काम करेगा तो अल्लाह उसका दोस्त बन जाता है अल्लाह ताला ने कहा ना मैं उसकी आंख बन जाता कान बन जाता हाथ बन जाता पैर बन जाता तो अल्लाह ताला, ताला आपको नुकसान कैसे होने देगा अगर आप नेकियों में आगे बढ़ते हैं तो इंसान के के गुनाह जो होते हैं उसके दिल को कमज़ोर बनाते हैं परेशान करते हैं और वो बेचैन और बेसुकून हो जाता है इसी तरह जो है घटा नुकसान गुनाह के करने का क्या होता है बंदे और रब के दरमियान हिजाब पायब हो जाता है और वो बेहयाई में फिर बढ़ जाता है यानी गुनाह में बढ़ जाता है मतलब अल्लाह ताला उसको उसी के हाल पे छोड़ देता सही मुस्लिम की हदीस है हजरत अबू हुरैरा अन्हु उसके रावी है वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया माफी अल्लाह के रसूल ने फरमाया सब के सब इंसान माफी के काबिल है मतलब फिर के बाद अगर दूसरे कोई गुनाह है तो अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है ताकि सब के सब इंसान माफी के काबिल है सिवाय मुजाहन के मुजाहिर मुजाहिर किसको बोलते हैं इसके ताल्लुक से उसी हदीस में तशरीह आती है कि इंसान अपनी बीवी के साथ जो अमल करे और फिर लोगों में दिन को उसको बयान करता फिरे ये मुजाहिर है मतलब उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी पर्सनल चीज़ें जो उसने रात गुजारा वो अपने दोस्तों में बयान करता फिरता है तो इसको मुजाहिर कहते हैं यानी बेहयाई को लोगों में फैलाना हालांकि उसने ऐसा अमल किया था जो उसके लिए जायज़ था हलाल था उसने अपनी बीवी के साथ जो रात गुजारी वो हलाल अमल था लेकिन अल्लाह ताला तयादार है हया वाला है वो बेहाई को पसंद नहीं करता तो उसने हालांकि हलाल काम किया था हराम काम नहीं किया लेकिन उसकी हया यानी ईमान उसको इजाजत नहीं देता उसको कि वो जाकर लोगों में इसको बयान करे तो कहा कि वो रात में जो अमल किया जाकर लोगों में बयान करता है तो वो मुजाहिर कहलाएगा और वो माफ़ी के काबिल नहीं अल्लाह देखिए कितना सख्ती से कहा ऐसे आदमी को अब वो आदमी जो वाकई में हराम काम करे और लोगों को सुनाता फिरे वो कितना बड़ा गुनहगार रहेगा इसने तो हलाल काम किया था तो मुजाहरीन के लिए माफी नहीं है अल्लाह सारे इंसान माफी के काबिल है लेकिन मुजाहिद माफी के काबिल नहीं है इसी तरह एक इंसान गुनाह करता है और लोगों में बयान करता फिरता है ये बहुत बड़ा गुनहगार है अल्लाह के नजदीक लेकिन इंसान ऐसा कब करता है मतलब तो आमतौर पर आप देखेंगे कि किसी से गुनाह हो जाए तो वो डर जाता है परेशान हो जाता है है ना वो अल्लाह से माफी मांगने लगता है गिड़गिड़ाता है कि गलत काम हो गया लेकिन वह बयान कौन करते फिरता है जिसने गुनाह किया और अलग अल लोगों में बयान भी कर रहा है तो वो ऐसा आदमी होता है जो गुनाहों में कसरत से आगे बढ़ गया अब उसके अंदर से हया ख़त्म हो गई और जब हया ख़त्म हो जाती है तो सलभ साल ने लिखा है इसके ताल्लुक से कि बंदे और रब के दरमियान एक हिजाब कायम हो जाता है अल्लाह अल्ला ताला उसको उसके हाल पे छोड़ देता है मतलब काफेर जैसी ज़िंदगी हो जाती है जैसे काफिरों के ताल्लुक से अल्लाह तला ने क्या कहा दुनिया उनके लिए क्या है जन्नत है और सिजनुल मोमिन और मोमिन के लिए क्या है कैद खाना है मोमिन ऐसा लोगों के जो है चमक में ना आए कि वो तो अल्लाह की इतनी नाफरमानी करते हैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं उनके एरिए इतने पॉश हैं उनके बंगले इतने ज़बरदस्त है तो याद है कि उनके लिए जन्नत यही है हम इतना नेक अमल कर रहे पूरी दुनिया में पिटे जा रहे पूरी दुनिया में परेशान है तो ये हमारे नफ्स यानी हमारे अमाल का बदला ही जो जो हमारे ऊपर परेशानी आ रही है अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह सुरसा में भी हमने देखा कि जो बुराइयां तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से पहुंचती है तो हमारे अमल ऐसे है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है अब उसमें नेक लोग भी परेशान हो रहे हैं तो उनके लिए उस सब्र का उनको बदला मिलेगा इंशाल्लाह तो दुनिया मोमिन के लिए क्या है फायद खाना है आजमाइश है उसके साथ तो यहाँ पर वो जब गुनाह में कसरत कर जाता है तो अल्लाह अपने बीच में और उसके बीच में एक हिजाब डाल देते उसको उसके हाल पे छोड़ देते काफे जैसी ज़िंदगी हो जाती है और सलभ सालइन ने लिखा सिर्फ इतना नहीं होता है जब अल्लाह ताला किसी का साथ छोड़ देते हैं तो उसका हाल बड़ा बुरा होता है उसका और उसके दिल के दरमियान भी एक हिजाब आ जाता है वो अपनी दिल की भी नहीं सुनता है अजीब जिंदगी हो जाती है फिर सलभ सारैन ने लिखा कि इतना भी नहीं होता है वो समाज से भी कट जाता है क्योंकि समाज के अच्छे लोग उसको पसंद नहीं करते फिर वो बुरे लोगों में रहना पसंद करता और उसकी ज़िंदगी बड़ी बदतर और बदतरीन होती जाती है और वो बेसुकून हो जाता है तो जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान क्या कायम हो जाता है हिजाब और उसके बेहाई का कोई कंट्रोल नहीं होता वो बग़ैर डरे बिना हिचकिचाए गुनाहों को करता चला जाता ठीक है लेकिन ऐसे लोगों का खातिमा दुनिया में भी दुरुस्त नहीं होता और आखिरत में भी इनके लिए जो है, कोई फायदा नहीं दुनिया इनको और वो बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जो गुनाहों में बढ़ने के बाद उस तारीकी को महसूस कर पाते और वापस लौट कर आते एक शख्स अबू हुसैन ये यू के रहने वाले थे ये अमेरिका गए पढ़ने के लिए मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के लिए एक ईसाई से उनकी दोस्ती हो गई काफ़ी पैसे वाला था वो दोनों साथ में रहे कई साल अबू हुसैन उसको इस्लाम की दावत देते रहे हमेशा तोहेद के बारे में बताते रहे वो अबू हुसैन को बोलता था तुम हमारे साथ चलो चर्च चलो चर्च में कुछ बातें करेंगे ये उसके साथ जाते और वहाँ पर भी उसको बताते ईसा सलाम का अदा क्या था ये सारी चीज़ें तो वो शख्स अबू हुसैन की लाइफ को गौर करते रहता था कि अबू हुसैन तारत को जा रहे पेशाब को तो पानी लेकर जा रहे तो पूछते भी रहते थे तुम क्या करते ये क्या रहता है ये क्या रहता फिर काफी वक्त गुजर गया दोनों का कोर्स मुकम्मल हुआ अबू हुसैन यू को आ गए उनका दोस्त जो है लॉस वेगास में एक कंपनी में चला गया एक होटल में बड़ी जगह पर उसको जॉब मिल गई वेगास दुनिया का सबसे बुरा शहर तो पाँच साल के बाद उनके दोस्त ने अबू हुसैन को फोन करे कहा गया अबू हसैन मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ता है अबू हसैन को शौक लगा पाँच साल बाद एक आदमी जो कभी नहीं सुनता था और वेगास में चला गया और अब बोल रहा है कि इस मुसलमान कैसे बनते तो मैंने पूछा क्या बात है क्या हुआ अबू हसैन ने पूछा तो वो शख्स कहने लगा मैंने जिना जुआ गुनाह हर किस्म के यहाँ पर करी पाँच साल में बहुत गुनाह किए लेकिन अब इसके आगे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा बोले क्योंकि तो गुना वही 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 गुना कर रहे हैं हम गुना करके अब उसकी लजत भी खत्म हो गई बोले अब गुनाह में भी मजा नहीं आ रहा मतलब इस इंसान गुनाह को अच्छा समझता है शैतान उसको उकसाता है उस तरफ लेकिन वो वक्ती रहता है थोड़ी देर के लिए उसके बाद उसको उसमें भी मजा नहीं आता मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी एकदम बेकार हो गई लगता था जैसे खुदकुशी कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारा वो तहारत को पानी ले जाना मुझे याद आ रहा था कितनी पाक जिंदगी थी तुम्हारी हम तो जीना को ऐसे मामूली समझ लेते ऐसे ही कर लेते और तुम तहारत के लिए भी पानी लेकर जाते थे पेशाब का छेटा जिसम पे लगने नहीं देते थे कहा कितनी बेहतरीन जिंदगी थी, थी तुम्हारी मुझे वो याद आ रही है कहा कि मैं मुसलमान बनना चाहता था अलहमद ला उसने जो है कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान हो गए तो ये गुनाह जो है तारीखी है हालांकि उसके पास पैसा था सब था गुनाह के रास्ते थे कोई चीज़ की कमी नहीं थी उसके पास लेकिन उसको उसमें तारीख़ी महसूस हो रही थी रोशनी नज़र नहीं आ रही थी तो अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी वो अबू हुसैन का साथ रहना उसके लिए हिदायत का ज़रिया बना इस्लाम की कुछ चीज़ें जो अबू हुसैन उसको बताया करता था इससे हमें यह भी पता चलता है कि इस्लाम की बातें हमें लोगों को बताते रहना चाहिए हिदायत अल्लाह के हाथ में वो जब चाहेगा देगा हम सिर्फ ज़रिया बन जाए बहुत बड़ी बात है तो इंसान जो है बेहया होते जाता है जब गुनाह में बढ़ता है तो और अल्लाह और उसके दरमियान जो है हिजाब कायम हो जाता है सातवां जो नुकसान है गुनाह का वो ये है दिल गुनाहों को मामूली और हकीर समझने लगता है जब गुनाह इंसान कसरत से करता है तो गुनाह उसको छोटे नजर आते हैं उसको वालदेन से चीख के बात करने में जरा भी बुराई महसूस नहीं होती आज यही माहौल है हमारे पास में आप देखिए माँ बाप से ज़ोर से बात करते हैं कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं जो वालदेन को गाली भी देते हैं और कुछ ऐसे भी है दुनिया में जो हाथ भी उठाते हैं उनके ऊपर और कुछ ऐसे भी वाकयात गुजरे जिन्होंने जान से भी मार दिया तो एक इंसान जो वालदे का बड़ा एहतराम करता है उसके लिए एकदम शॉकिंग न्यूज रहती है अगर कोई वाकया सुनाए कि एक बेटे ने बाप को मार दिया तो उसको बड़ा झटका लगता है ऐसे कैसे हो गया तो ये इंसान के लिए गुनाह बहुत दूर है इसलिए उसको झटका लगा ये बहुत गलत काम था ऐसा क्यों किया उसने लेकिन जो इंसान वो गुनाह कसरत से करत करता है उसके लिए वो चीज़ जरा भी उसको बुरी महसूस नहीं हुई अपने बाप को मारते हुए ये बिल्कुल सादा सा उसूल है जिस चीज़ में आप ज़्यादा जाते हैं वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती आप नेकियों में आगे बढ़ेंगे तो नेकियां करना आपके लिए आसान रहेगा आप गुनाह में आगे बढ़ेंगे तो गुनाह करना आपके लिए आसान रहेगा दोनों के लिए सेम उस एक कारागिर होता है काम करता है आप उसके पास जाते हैं कुछ काम करने के लिए फटाफट -फड़ बना के दे देता आप बोलते क्या स्पीड है यार तुम्हारी बोलता दिन रात हम इसी में पड़े हैं तो स्पीड तो आने वाली हर एक का तो अपना शोभा रहता वैसे ही नेक इंसान जब नेकिया करता है तो गुनाह का करना दिल नहीं बोलता उसको उसको मुश्किल जाता हार्ड लगता उसको लेकिन जो आदमी गुनाह में चला जाता को नेकी करना मुश्किल जाता इसलिए सलाफ साल कहते हैं पहले ही मरहले में अपने आप को संभाल लो और वो जवानी का मरहला है जब इंसान नौजवानी की तरफ बढ़ता है वहीं अपने आप को लॉक कर दो वहीं अपने आप को ब्रेक लगा लो गुनाहों से तो फिर आपके लिए आगे की जिंदगी में नेकियां करना आसान रहेगा और गुनाह से बचना आसान रहेगा सही बुखारी हदीस है जल्द सुवम के अंदर इसके ताल्लुक से जो है गुनाह के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल वसल्लम ने क्या फरमाया सहाबा फरमाते हैं हमारे ज़माने में साहबा फरमाते हैं हमारे ज़माने में लोग यानी मोमिन अपने गुनाहों को इस तरह देखते थे जैसे पहाड़ तर पर ला कर रख दिया हो और यह हदीस भी है अल्लाह के रसूल सल्ला ने फरमाया के मोमिन अपने गुनाह को ऐसे समझता है जैसे उसके ऊपर पहाड़ ला कर रख दिया हो कि मिसाल को हम ऐसे समझे कि आर की इमारत है एक पहाड़ मतलब दस पंद्रह स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होते हैं छोटे छोटे पहाड़ दस पंद्रह या पाँच फ्लोर की समझिए आप पाँच स्टोरी बिल्डिंग है और किसी ने आपको वहाँ नीचे पार्किंग में ले जाकर बैठा दिया और कहा कि पाँच मिनट बाद ये बिल्डिंग गिरने वाली है आपको कैसा महसूस होगा आप मारा पसंद करेंगे नहीं तो पहाड़ उससे ज्यादा वजनी और उससे ज्यादा खतरनाक रहता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला फरमाया कि मोमिन ऐसे ही बेचैन हो जाता है जैसे वो बिल्डिंग गिर जाएंगी पहाड़ गिर जाएंगे उसके ऊपर तो वो ऐसे ही बेचैन रहता है जब गुनाह उसके सामने आता है तो क्यों कर ही नहीं सकता क्योंकि मोमिन की सिफत बताई और आपने फरमाया बदकार अपने गुनाह को ऐसे समझता है जैसे मक्खी उसके नाक पर बैठ कर चली गई मतलब गुनाह उसके लिए इतना आसान है तो आज हमारे लिए कितना आसान है गुनाह करना देखो म्यूजिक लगा के सुन लेना गाना देख लेना नाच देख लेना कितना इजी हो गया ना मक्खी से भी ज्यादा आसान है एक बटन दबाए तो सामने आ जाता क्या बदकार जो होता है अल्लाह के रसूल फरमाए बदकार की सिफत है गुनाह उसके लिए ईजी जाता और नेक आदमी मोमिन की पहचान क्या बताई कि उसको गुना ऐसे लगता है जैसे पहाड़ उसके सर पर लाकर रखा जा रहा है तो ये इंसान सहाबा इस तरह डरा करते थे गुनाहों के मामले में लेकिन इंसान जब गुनाह करना शुरू कर देता है तो उसको जरा भी बुराई महसूस नहीं होती और वो उसको मामूली समझने लगता है और जब इंसान किसी चीज को मामूली समझने लगता है वो उससे बाज नहीं आता उससे छुटकारा उसको जल्दी नहीं मिलता तो ये एक सातवा नुकसान था दिल के ऊपर जो होता है कि इंसान गुनाहों को मामूली समझने लगता आठवा दिलों की रसवाई और बेइज्जती दुनिया दुनिया के अंदर इंसान को यही चीज़ बहुत ज़्यादा खाई जाती है ना मेरे को इज्जत नहीं है लोग बेइज़्ज़ती कर रहे हैं लोग ऐसा कर रहे हैं फला ने मुझे रसुआ कर दिया ये बड़ी शिकायत होती है अपने पास लेकिन ये भी गुनाहों का बदला है फातिर आयत नंबर दस अल्लाह सुबह फरमाया मन का क्या फरमाया कि जो कोई इज्जत चाहता हो तो जान ले कि इज्जत तो सिर्फ अल्लाह ही के पास क्या फरमाया अल्लाह ताला ने जो शख्स इज्जत चाहता है वो चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें एहतराम करें तो उसने अपने दिमाग में बात बिठा लेना कि इज्जत अल्लाह के पास है और अल्लाह ताला किसको देगा इज्जत जो नेक होंगे हदीस है ना जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह से मोहब्बत मतलब वो अल्लाह ताला की सुनता है जिससे मोहब्बत होती है उसकी सुनी जाती है ना तो हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहि सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं फला बंदा मुझसे मोहब्बत करता है मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ तो है जब्राहिल तुम भी उससे मोहब्बत करो जिब्राइल अलैहि सलाम जाकर तमाम फरिश्तों में बात बोलते फला फलाबंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करते हैं इसलिए फरिश्तों जिब्राइल भी उससे मोहब्बत करते हैं तुम भी उससे मोहब्बत करो और तमाम फरिश्ते जाकर लोगों के दिलों में ये बात डाल देते हैं कि इस शख्स से मोहब्बत की जाए इज्जत की जाए क्योंकि अल्लाह और जिब्राइल और तमाम फरिश्ते इस बंदे से मोहब्बत करते ऐसा बंदा कौन रहेगा जो अल्लाह ताला का फरमा मरदार है हम देखते हैं कि हम जिससे मोहब्बत चाहते हैं जिससे इज्जत चाहते हैं वो जैसा बोला हम वैसा सुनते हैं हम चाहते हैं कि हमारा क्रेडिट हमारा एक अच्छा मकाम किसी के नज़दीक हो अपना बॉस हो या दुकान का मालिक हो या जो है अपने ग्रुप लीडर हो या कोई भी हो तो हम उसके सामने अपने आप को अच्छा अच्छा पेश करते हैं और वो जो चीज़ को लाइक करता अपन वो चीज़ को लाइक करते वो जो चीज़ को बोलता अपन उसको ला कर देते हालांकि दिल नहीं भी बोला तो क्यों? क्यों क्योंकि उसके सामने हमको एक मुकाम बनाना चाहता तो वैसे अल्लाह ताला के नजदीक मुकाम बनाना है तो अल्लाह ताला जैसा चाहता है वैसे करना पड़ेगा फिर अल्लाह ताला उसका बदला ये देगा कि आपको दुनिया में इज्जत दी जाएंगी आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा से चिड़ने वाले नफरत करने वाले यहां तक के जंग करने वाले भी दिल में अल्लाह उसके सहाबा की जो है मोहब्बत रखते थे तब बोलते थे फिर क्या बोलते थे लेकिन अल्लाह के रसूल रसोसम अमीन है अमानत दार है मतलब दिल से इज्जत करते थे सिर्फ दावत कबूल नहीं की लेकिन दिल में इज्जत थी बराबर दावत को नहीं माना और ऐसा हर जमाने में हुआ कि नेक लोगों की इज्जत अल्लाह सुबहान तला बराबर रखता है ठीक है चलिए तो जो शख्स इज्जत चाहता है उसके लिए क्या फर पाए अल्लाह सुबहान तला इज्जत अल्लाह के यहाँ है फिर दूसरी आयत सुर मुनाफ़िन सुर मुनाफ़ून में आयत नंबर आठ अल्लाह व तआला फरमाते हैं आयत का दूसरा हिस्सा है इज्जत कि तो अल्लाह के लिए है रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए है लेकिन वो मुनाफिक नहीं समझते तो इज़्ज़त जो है ईमान वालों के लिए मोमिन के लिए तो जिल्लत और रसवाई उस शख्स का मुकद्दर बनती है जो गुनाहों में बढ़ जाता है और अपने माहौल में आप देख लीजिए एक इंसान गुना करता है गुना पे गुना गुना पे गुनाह जब बढ़ जाते हैं नेक लोग उसको पसंद नहीं करते घर के लोग उसको पसंद नहीं करते अच्छे दोस्त उसको पसंद नहीं करते कोई उसको अपनी बेटी देना पसंद नहीं करता रास्ते से चलते वक्त लोग कहते हैं ये फला ऐसा है ये शराबी है ये जुआरी है ये गलत संगत में रहता है ये नशा करता है इसके दोस्त अच्छे नहीं है मतलब एक समाज का जो अच्छा तबका है उसकी इज्जत नहीं करता अच्छा बुरे लोगों का क्या मामला है अच्छे लोग इज्जत नहीं करते तो क्या बुरे लोग उसकी इज्जत करते नहीं बुरे लोग भी उसको कहते हैं कि इस पर अपन यकीन नहीं कर सकते कभी भी धोखा दे सकता क्योंकि उसको पता है अपन भी बुरे है ये भी बुरा है अगर ये अपने नहले पे दहला निकल गया तो अपना नुकसान रहेगा तो बुरे की कोई इज्जत नहीं करता बल्कि बुरे लोग अच्छे लोगों की इज्जत करते अरे यार इस अपने से अगर इसको कुछ तकलीफ भी पहुंची ना तो ये अपने को पलटा के कुछ करने वाला नहीं अच्छा आदमी है मतलब दिल में इज्जत रहती है नेक लोगों की तो ये बात अपने हम जहन में रखे कि गुनाह करना इंसान को बेज़ती और रसवाई देता है एक हदीस आती है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमायामत से पहले मुझे तलवार के साथ महबूस किया गया यानी आपने अपने दौर की बात कही यहाँ तक कि अल्लाह शरीक के सिवा और किसी की इबादत ना हो मतलब दावत और तबलीग का काम मैं करता रहूँ जब तक रहूँ अल्लाह के रसूल ने अपना पैगाम बताया मेरी रोज़ी मेरे नेजे के सये में रखी गई जिल्लत और रसवाई इस शख्स का मुकद्दर बना दी गई जिसने मेरे हुक्म की मुखालफत की और जिसने किसी कौम की मुशाबहत की वो उन्हीं में शुमार होगा यह हदीस हम हमेशा सुनते हैं मंतशब्बा बेमी पिन जिसने जिस कौम की, की मुशाबहत की वो उसी में से है उसका हदीस का वो आधा हिस्सा है उसका पहले का हिस्सा यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मेरे हुक्म की मुखालफत करेगा दिल्लत उसका मुकद्दर बन जाएगी और ऐसा तारीख में हमने देखा भी अल्लाह और रसवा किया जो आपकी मुखालफत में गए और आज भी वही हो रहा है लेकिन मीडिया उसको सजा सजा कर बताता है कि नहीं वो जलील नहीं है उनको इज़्ज़त मिल रही है हालांकि दुनिया जानती है ठीक है तो इसी तरह हसन बसरी रहमत लरमाते हैं लोग अगरचा उमदा खच्चरों और घोड़ों पर सवार होकर शान शौकत से चले लेकिन गुनाह की वजह से जो रसवाई उनका मुकद्दर बन चुकी है वो कभी इनसे जुदा नहीं हो सकती ठीक है अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जलील और रसवा होकर रहेंगे वो लोग ये इमाम जो है हसन बसी रहमत ला बयान कर रहे हैं कि लोग कितने ही शान शौकत में आपको नजर आए लेकिन वो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं तो जिल्लत उनका मुकद्दर है वो कभी इज्जत नहीं पा सकते अब्दुल्ला बिन मुबारक अब्दुल्ल बिन मुबारक इमाम बुखारी राम के उस्ताद जो है वो क्या कहते हैं मैंने देखा है कि गुनाह दिल को मुर्दा कर देते हैं यकीन गुनाह पर गुनाह करना जिल्लत और रसवाई का सबब है गुनाहों को छोड़ देना दिलों की जिंदगी और तुम्हारे लिए गुनाहों का तर्क कर देना ही बेहतर है और दीन को बादशाह और तारे के दीन यानी राहबों के अलावा और किसने ख़राब किया मतलब आपने इसमें पैगाम दिया कि दीन में जो बिगाड़ आया वो बुरे बादशाह बुरे उलमा और जो राह बहते थे ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल जाते थे दुनियावी जिंदगी से, से. कहा दीन में बिगाड़ इन्होंने ही लाया सूफी जिनको कहा जाता है ये अब्दुल अबिन मुबारक कहते हैं सूफियों से बिगड़े हुए बादशाहों से और उलमाए के वजह से दीन बिगड़ा आम लोगों ने दीन को नहीं बिगाड़ा ये लोगों ने दीन को बिगाड़ा उसके पहले उन्होंने क्या फरमाया कि जो शख्स गुनाह से तौबा कर ले तो उसको बेहतरीन जिंदगी का वादा है अल्लाह की तरफ से ठीक है चलिए नवी चीज़ नवा जो नुकसान है जो गुनाहों से होता है दिल के ऊपर के दिल हिदायत से महरूम हो जाते हैं इंसान जब गुनाह पे गुनाह गुनाह पे गुनाह गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है हिदायत उसके पास नहीं आती अनाम आयत नंबर एक सौ पच्चीस अल्लाह सदरा लिल इस्लाम अल वमई युदीका क्या फरमाया फिर जिसे अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है तो इसे खोल देता है और इसका सीना इस्लाम के लिए जो है भर देता है और जिसे चाहता है उसे गुमराह कर देता है तो इसे दूर कर देता है इसके सीने से हिदायत को और इसके सीने को तंग कर देता है तो इंसान का दिल तंग हो जाता है जब वो हिदायत से महरूम हो जाता है कि दिलों में तंगी आना मतलब हिदायत से महरूम ही होना और दिलों में तंगी वहशत कैसे आती ऊबर के जो है नुकात में हम देख चुके हैं कि इंसान जब गुनाह करते जाता है तो उसका दिल क्या हो जाता है सिया एक धब्बा पहले लगाया जाता है तोहबा नहीं करता है बार बार गुनाह करने से उसका दिल पूरा क्या हो जाता है सिया हो जाता है फिर हिदायत अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नहीं देता ऐसे लोगों के दिलों पर जो है मोहर लग जाती है तो ये चंद बातें थी जो मेरे इल में आई कि गुनाहों के करने से दिल पर क्या असरात होते हैं वो आपके सामने रखे गए अल्लाह सुबाना ताली से दुआ है कि अल्लाह हमें तमाम किस्म के गुनाहों से महफूज रखे चाहे वो कबीरा गुना हो या सगीरा गह हो अबाना ताली हमें जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ातिमा हमारा ईमान पर हो वखिरबालमीन سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

तो ये इल्म से मुराद कौन सा इल्म है तो यहाँ पर ये इल्म से मुराद जो है दीनी इल्म है जैसे इमाम मालिक रहमत इमाम शाफाई रमत को वसीयत की कि मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत अच्छी सलाहियतों से नवाजा है यानी उनके ख़राज़ सुनकर जो है आपने तारीफ की और कहा कि गुनाहों से अपने आप को दूर रखना कहीं गुनाह करके तुम अपने इल्म को खो न दो तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो असलाफ ने हमें तालीम दी वो उन्होंने दीन इल्म के ताल्लुक से बताया कि जो इंसान गुनाह करता है वो इल्म दीन से दूर हो जाता है यानी अल्लाह अल्ला की हिदायत से दूर हो जाता है अल्लाह ताली के किताब के इल्म से दूर हो जाता है और नबियों की तालीमांत जो होती हैं वो इल्म से वो दूर चला जाता है इससे मुलाद यहाँ पर दीनी इल्म है लेकिन मैं अपने तजुर्बे से आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर भी जिन लोगों को देखा गया है जो तलीम याफ्तः कौमें कहलाती है हालांकि वो शिरक करती है वो और भी गुनाह के काम करते हैं लेकिन उनके अंदर का जो आलिम तबका है मुराद दुनियावी जो है दीनी है जैसे यहूदी साइंटिस्ट है ईसाई साइंटिस्ट है बहुत सारे हैं आप बोलेंगे ये लोग कैसे इल्म में आगे बढ़ रहे हैं तो अक्सर जो साइंसदान हैं और जो अच्छे आप देखेंगे उस्ताद है टीचर्स है उनकी ज़िंदगी आप देखेंगे बनस्बत दूसरे काफिरों की उनकी ज़िंदगी साफ सुथरी है मतलब उनकी ज़िंदगी को आप बनस्बत दूसरे लोगों से अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी में गुनाह की कसरत आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगी ये मेरा अपना तजुर्बा है ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है लेकिन मैंने देखा और मैंने अपनी लाइफ में ऐसा भी देखा कि कुछ टीचर्स थे जो बहुत अच्छा इल्म रखते थे एक ज़माना था कि लोग उनके पास आकर तालीम हासिल करना फफ्र महसूस करते थे लेकिन वो कुछ ऐसे गुनाहों में मुलविस हुए कि उनका सारा इल्म गायब हो गया भी इल्म की बात कर रहा हूँ तो ये मेरा अपना तजुर्बा और अपनी ज़ाती राय है कि अल्लाह ताला जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह ताला इंसान के दुनियावी इल्म को भी छीन लेता है ये भी नुकसान उसको होता है लेकिन ये सब बात सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है लेकिन यहाँ पर जो बात बताई गई इल्म से महरूमी ये दी इल्म के तल्ल से बात की जा रही है दूसरा दुनियावी नुक़ नज़र से अगर हम देखें तो इंसान जब गुनाहों में और लघु चीज़ों में लग जाता है तो आप देखेंगे वो इल्म से भी महरूम रहता है जैसे मिसाल के तौर पर एक तलेब इलम है वो पढ़ाई करता है और सिर्फ पढ़ाई करता है दिन रात तो आप देखेंगे वो तालीम में आगे बढ़ता है अच्छे नमरत हासिल करता है क्योंकि अल्लाह ताला का तो वादा है कि जो जिस चीज़ के लिए मेहनत करेगा उसको वो चीज़ दी जाएंगी अगर कोई दुनियावी तालीम के लिए मेहनत करता है तो उसके लिए दुनिया है जो दीन के लिए मेहनत करता है उसके लिए आखिरत है जो दोनों के लिए करता है उसके लिए दोनों भी है तब तो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो जब वो दिन पढ़ाई करता है तालीम पर मेहनत करता है वो आगे निकलता है अब उसके मुकाबले में एक दूसरे तलब इलम को आप ले लीजिए चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो वो तालीम के बजाय दूसरी चीज़ों में लगा है गुनाह के कामों में लघों चीज़ों में जो काम के नहीं हैं गाने बजाने मूवीज़ वग़ैरह आप देखिए वो तालीम से दूर हो जाता है तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि जो शख्स गुनाहों से बचता है अल्लाह ताला उसके लिए दीन के इल्म हासिल करने के लिए भी और दुनिया भी इल्म हासिल करने के लिए दोनों के रास्ते आसान नर्व की, की वजह से होता है तो मुझे ये, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि जो गुनाह जो होते इंसान के वो पहले से लिखे जा चुके होते है ना अल्लाह तला ने लिखे होते तो फिर वो उस खुद की वजह से कैसे हो गए उसके सवाल किया तो रनसा की जो आयत नंबर उनसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें जो भलाई या फायदे पहुंचते हैं वो अल्लाह की तरफ से है और जो बुराइयां तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से यानी तुम्हारे गुनाहों की वजह से तो भाई ने फिर सवाल किया कि तकदीर तो पहले लिखी जा चुकी है कि इंसान जो गुनाह करेगा सारी चीज़ें फिर वो उसके नफ्स की तरफ से कैसे हुई ठीक है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी कि पहले हम तकदीर को समझें इससे पहले बात आई थी कि तकदीर का मामला तकदीर क़दर से आया है कदर मतलब कदर हम जो पैमाइश बोलते हैं मेजर्स कि अल्लाह ताला ने एक चीज को बनाया वो है तकदीर जो पहले से लिखी जा चुकी है तो तकदीर का मामला अल्लाह ताला के इल्म से है अल्लाह ताला के जबर से नहीं मतलब अल्लाह ताला के इल्म से तकदीर लिखी गई है कि अल्लाह को मालूम था ऐसा होने वाला है लेकिन अल्लाह ताला ने अपने जबर से तकदीर नहीं लिखा कि इसको ऐसा करना ही चाहिए दोनों में फर्क है जैसे हम इससे पहले कई बार मिसाल सुन चुके हैं कि एक टीचर है वो अपनी क्लास में देखता है कि एक बच्चा बहुत शरारती है पढ़ाई नहीं करता है और उसके हालात दुरुस्त नहीं कि वो कामयाब होगा तो टीचर बोलते हैं फेल होने वाला है और वो फेल हो जाता है तो कोई पेरेंट्स आकर टीचर को ब्लेम कर सकते हैं कि तुमने बोले थे फेल हो जाएगा इसलिए फेल हो गया टीचर कहेंगे मैंने अपने इल्म से एक अंदाज़ा लगाया फद्र यानी तकदीर का मतलब है अंदाज़ा तो टीचर का एक अपना अंदाज़ा था कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा इसलिए फेल हो जाएगा इसलिए फेल हो गया तो आप बोल सकते कि नहीं टीचर ने बोला इसलिए फेल हुआ है ना तो वैसे ही ये जो तकदीर है दुनिया जो चल रही है और जो चलते रहेंगे रहेंगीयामत तो ये भी अल्लाह ताला का अंदाज़ा है लेकिन अल्लाह ताला के अंदाजे में और टीचर के अंदाजे में बहुत फ़र्क है कितना फ़र्क है कि अल्लाह ताला का अंदाज़ा हंड्रेड परसेंट ऐसा ही होने वाला है टीचर का गलत भी हो सकता है तो ये अल्लाह ताला ने अंदाज़ा किया है ये अल्लाह ताला के इल्म से है तकदीर अल्लाह ताला के जबर से नहीं है मतलब अल्लाह ताला को मालूम है पहले से कि बंदा जो आने वाला है इसका नाम ऐसा रहेगा ये ऐसे गुनाह करेगा और फिर ये इसकी सज़ा उसको मिलेगी लेकिन गुनाह किसके वजह से इंसान को सज़ा किस वजह से मिल रही है इंसान को अपने गलती की वजह से मतलब अल्लाह ताला ने उसको ज़बरदस्ती गुनाह नहीं करवाया ये अल्लाह ताला के इल्म में था कि ऐसा करने वाला है तो तकदीर का मामला अल्लाह ताला की इल्म से अल्लाह ताला के जबर से नहीं है जैसे हजरत उमर बिन खत्ताब ख़ाब के ज़माने में भी एक वाक़ा हुआ एक आदमी ने चोरी की उसके हाथ काटने के लिए जब उसे लाया गया तो वो कहने लगा कि मेरे हाथ ना काटे जाए क्योंकि मेरे तकदीर में था चोरी करना हर उमर ने उसकी बात नहीं सुनी वो चीखता रहा और उसके हाथ काट दिए गए हर तो उमर ने कहा यह भी जो तकदीर में था अगर नहीं रहता तो मैं काट सकता था क्या तो लोग हम जो है अक्सर तकदीर को समझते नहीं है अच्छे से तो तकदीर क्या है अल्लाह के इल्म से है लेकिन अल्लाह का इम कैसा है हंड्रेड परसेंट तो इंसान को जो सजा मिलेंगी जहन्नम या दुनिया में जो उसको नुकसान पहुंचता है उसकी अपनी गलती है वो अल्लाह ताला पर नहीं डाल सकता कि अल्लाह ताला ने ऐसा लिखा था बोल के मैं कर रहा हूँ आप ऐसा करने वाले हैं इसलिए अल्लाह ने लिखा उसको आप उल्टा सोचिए उसको कि वो अल्लाह के इल्म से है अल्लाह ताला के जबर से नहीं है तो दुनिया में हम जो गुनाह करते हैं उसका बदला हमें नुकसान के ज़रिए दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी रहेगा अगर तौबा ना की तो जी सवाल आया कि सलाम के किसी का सवाल है कि किसी के कॉलेज में या उनके इंस्टीट्यूट में सब बच्चे जो है बर्थडे मनाते हैं और उसके लिए वो जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए सबसे मांगते हैं जिसमें कंट्रीब्यूशन करना कैसा है सही है बर्थडे के अंदर तो देखिए बर्थडे जो मनाया जाता है ये फ़ुराफात के अंदर है इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात हमें बता कर गए कि दीन मुकम्मल हो गया और अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में कोई बर्थडे नहीं मनाया आपके जाने के बाद सहाबा ने आपका कोई बर्थडे नहीं मनाया लेकिन और ये बड़ी अफसोस और शर्म की बात है जो तबर के लोग यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश लो, के लोग अल्लाह के रसूल का बर्थडे मनाते यानी मिलाद मनाते जबकि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मनाया न सहाबा ने कभी मनाया हालांकि उस दौर के ईसाई मनाते थे लेकिन अल्लाह के रसूल ने जिसको पसंद नहीं करा सहाबा ने पसंद नहीं किया हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं तो ये करना ख़ुराफा है बिदत है इसको नहीं करना चाहिए ठीक है दूसरा सवाल ये है कि जो लोग मनाते हैं हम नहीं मना रहे लेकिन दूसरे मना रहे हैं और वो कॉन्ट्रीब्यूशन मांग रहे तो आप उनको सीधे सीधे कहिए कि नहीं हम इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते तो लोग रहते हैं कि इमोशनली या सोशली प्रेशर डालते हैं आपके ऊपर इसमें क्या बुराई है कोई अच्छी चीज़ तो है किसी की खुशी में शरीक होना किसी की खुशी बांटना किसी की मदद करना तो हम भी उनको सोशली और इमोशनली बात करना चाहिए मतलब वो जैसा सवाल करें हम भी जवाब वैसे देना अपन ने उनको बोलना देखो इतना पैसा डालने के बजाय किसी गरीब को खिला है तो कितनी अच्छी बात रहेगी इतना महंगा केक लाते हैं जितनी उसकी कीमत भी नहीं रहती अपन क्या करेंगे उतना पैसा जमा करके किसी गरीब को दे देंगे किसी की मदद कर देंगे किसी एक बच्चे गरीब बच्चे की फीस भर देंगे बोलना हिसाब लगाओ पूरे साल में अपने कितने फ्रेंड्स हैं दस दस लोगों के बर्थडे का खर्चा कितना आता इतना इतना इतने में तो एक स्टूडेंट की पूरी फीस हो जाती साल भर की आधी फीस तो होती ट्वेंटी फाइव परसेंट होती तो वो इमोशनली और सोशली चीज़ें अपने को बताते दुनिया में एतबार से किसी की खुशी में शरीक होना और ऐसा होना ऐसा थोड़ी रहता जिंदगी में अलग थलग रहना तो अपन ने भी उनको वैसे ही इमोशनली बात करना अपन ने भी उनको बताना चाहिए कि नहीं भाई ये बहुत गलत बात है अपन पैसा उड़ा दे रहे ऐसे ही और आजकल हो रहा है गैर मुस्लिम भी कुछ वीडियोस क्लिप्स बना रहे हैं व्हाट्सअप पे आ रहे हैं मैंने देखा कि कोई बर्थडे मना रहा है खूब पैसा खर्चा कर रहे हैं बलूस फोड़ रहे हैं और केक गिरा रहे पड़ा रहे है कुत्ते में कोई गरीब बेचारा जो है वो गिरे हुए केक को खा रहा है मतलब वो भी इस बात को समझ रहे हैं उनमें ही समझदार जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि बर्थडे ना मनाया जाए फजूल खर्ची ना की जाए तो ऐसे आप उनको बताइए कि हम ये कॉन्ट्रीब्यूशन देने में हमें कोई हर्ज नहीं है हम पैसा देने में नहीं हिचकिचा रहे लेकिन जो चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है तो एक काम करो जो पैसे जमा कर रहे हो किसी गरीब को दे दिए जाए तो कुछ लोग अजीब रहते हैं नहीं इंजॉयमेंट तो कोई चीज़ रहता नहीं बोलना फिर ऐसा इंजॉयमेंट हमें नहीं करना दुनिया में उनको आप उनके हालात बताइए हमारे बच्चे पहले एक स्कूल में जाते थे वहाँ पर बर्थडे मनाया जाता था और हर वीक में या मंथ में किसी न किसी का बर्थडे आता था बच्चे लाते थे चॉकलेट बांटते थे एक दूसरे को तो बच्चे छोटे थे तो वो पहले बोलने लगे कि हम भी मनाएंगे हम क्यों नहीं मनाते उनको अच्छा लगता था ना सब बच्चे चॉकलेट बांट रहे हैं कहा हम भी कुछ तो भी करेंगे तो मैंने उनको जो है सोमालिया सूडान और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज के मैंने वीडियोज़ निकाले यूट्यूब पे से के बच्चे ऐसा रास्ते पे तड़प रहे एकदम पानी भी नहीं है कई कई दिन पानी नहीं मिलता कुछ वीडियो तो ऐसे है कि रुला देने वाले हैं कि शिशक शिशक के एक बच्चा बस मरने वाला है और दूर से गिद्ध बैठे हुए परिंदेते जो मुर्दा लाशों को खाते तो गिद्ध इंतजार में कि बच्चा कब मरने वाला है और जो फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने वो इमेजेस निकाली उसको बेस्ट फोटो का अवार्ड भी मिला वो फोटोग्राफर रो दिया बहुत रोया वो वो अपने तौर से कुछ लोगों की मदद कर सका जो उसके पास थी लेकिन वो भी कितने लोगों की मदद कर सकता था ये लाखों की तादाद में करोड़ों की तादाद में जो ऐसे लोग हैं ऐसी चीज़ें आप बताइए इंजॉयमेंट करने वालों को कि देखो हम इंजॉयमेंट करते ही इनका क्या हाल है देखो पानी भी नहीं है उनके पास खाना तो दूर की बात है तो एक तो ये दूसरा अगर हमारे घर का मामला हमारे घर के बच्चों का मामला तो उनको हम इंजॉयमेंट का उनका डायरेक्शन चेंज कीजिए गलत जगह की जगह सही चीज़ है कि बर्थडे के, के बजाय आप खाने की चीज़ें सिर्फ उस दिन ना मनाएं तो फिर वो बर्थडे हो जाएगा ना अलग तरीके से मनाया जा रहे थे लेकिन दूसरे आम दिनों में आप कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने बच्चों को साथ ले जाए और उनके हाथों से गरीबों को बांटने लगाए इसके इससे उनके अंदर जज्बा भी पैदा होगा और उनको समझ में भी आएगा कि हम बर्थडे क्यों नहीं मनाते इसके नुकसान क्या है इसके जो है बुरे अंजाम क्या क्या है सोसाइटी के ऊपर समाज के ऊपर तो कोशिश करें आप किस तरीके से उनको समझाने की उम्मीद है अल्लाह ताला और उनके दिलों में ये बात डाल दें जी खुत में से एक सवाल और है कि गुनाह करने से दिलों पर जंग लग जाता है तो जंग को किस तरह से पाक किया जाए यानी दिलों को कैसे पाक किया जाए इस जंग से तो देखिए दिलों को जंग लगता है ये अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी इसकी वजाहत की कहा कि जिस तरह से लोहे को जंग लगता है तुम्हारे दिलों को भी जंग लगता है और ये जंग की वजह वही है जो हमने आज देखी गुना साहबा ने पूछा इस जंग को फिर अब दूर कैसे किया है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो और कुरान को पढ़ते रहो कुरान की तिलावत ये जो है हमारे दिलों को जंग लगने से बचाता है जाहिर सी बात है कि इंसान जब मौत को याद करेगा कि कल मुझे ज़िंदगी मिलेगी या ना मिलेगी तो आप देखिए गुनाह करने में उसे कोई लज्जत महसूस नहीं होगी वो गुनाह से खुद ब खुद दूर हो जाएगा तो इंसान ये चाहता है कि उसके दिलों को जंग ना लगे तो वो मौत को याद करे हदीस भी है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज ऐसी पढ़ो जैसे तुम्हारी आखिरी नमाज हो लेकिन हमें अल्लाह और उसके रसूल बता रहे हैं कि मौत का को कोई वक्त मुकर नहीं है लेकिन हमको यकीन नहीं आता लेकिन अगर डॉक्टर बोलता है कि इनकी जिंदगी एक महीना दो महीना है तो देखो उसकी इबादत में कैसा खलूस और कैसी शिद्दत पैदा हो जाती है ऐसे वाक़ हम देखते हैं अपने सामने कैसी इबादत में तब्दीली आ जाती है हम लोगों के बोलने पर जो है यकीन करते हैं और शुरू हो जाते हैं तो अल्लाह के उसने फरमाया कि हर नमाज को ऐसे पढ़ो जैसे तुम्हारी आखिरी नमाज हो तो आप देखिए उसका हलूस कैसे रहेगा उसमें अखलास कैसे रहेगा तो वैसे इंसान जब मौत को याद करेगा और कुरान की तिलावत करेगा तो वो गुनाहों से खुद ब खुद रुकता जाता है और जब वो गुनाहों से रुकता है तो इन ताला उसके दिल पर वो जंग नहीं लगेगा अगर है तो भी वो निकल जाएगा जी एक और जो है सवाल ख़वातिन की तरफ से है अगर कोई शख्स गुनाह को छोड़ देता है नेक की तरफ लौट जाता है लेकिन उसके समाज वाले रिश्तेदार सोसाइटी वाले उससे ये बात के ताने देते हैं कि पहले बुरे काम कर लिए अब नेक बन रहे और जो है ऐसे लोग जब रिप्लाई बोले तो उन्हें क्या रिप्लाई दे या उन्हें उनका क्या करें उनको क्या जवाब दें तो देखिए जब भी आप नेकी की तरफ बढ़ेंगे तो बुराई करने वाले हमेशा आपको बुरा समझेंगे और बुरा कहेंगे वो बाज नहीं आएंगे ये शैतान की आखिरी चाल रहती है। देखिए गुनाह से अपने आप को बचाना ये बहुत बड़ा काम होता है कि इंसान जिन गुनाहों की लज्जत ले चुका है अब उसको तर्क करना है यानी छोड़ना है उसको तोबा करना है दोबारा उस तरफ नहीं जाना है शैतान अपनी पूरी टीम लगा देता वस वसे डालने के लिए आप क्या उस गुनाह को ना छोड़े जिस तरह मार्केटिंग वाले आते हैं ना बरोबर अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ते आपको शैतान भी लास्ट मोमेंट तक क्योंकि आप उसके कस्टमर है आप छूट रहे अब कि उसकी तरफ से निकल कर आप अल्लाह की तरफ जा रहे लास्ट मोमेंट तक वो जोड़ देता आपको लेकिन आप जब पूरा तय कर लेते अब शैतान को लगता है कि आप नहीं मानने वाले तो वो दूसरों के जरिए से सामाजिक प्रेशर आपके ऊपर डालने लगा और ये नई चीज़ है नहीं ये पुरानी चीज़ है पुराने मजीद में शुर बकर पढ़िए सुर बकरा में मुनाफिकीन का जिक्र जो किया गया है दूसरे रुकू से आप देखिए उसमें क्या कहा है अल्लाह सुबाना तला ने कि अल्लाह ताला ने कहा ऐसे ईमान लाओ जैसे ये लोग ईमान लाए यानी कौन साहबा अल्लाह तला किसे फरमा रहे है? मुनाफिकीन कि ऐसे ईमान लाओ जैसे ये लोग ईमान लाए तो वो लोग क्या बोलते थे हम ऐसे ही मान लाए है जैसे बेवकूफ़ ही मान लाए तो साहबा को क्या बोलते थे वो बेवकूफ़ साहबा रजियाइन जिनसे अल्लाह ने कहा कि मैं इनसे बाज ही हो गया लेकिन मुनाफी क्या बोल रहे हैं उनको बेवकूफ़ तो दुनिया आपको बेवकूफ़ बोलने वाली है उनकी परवाह नहीं करना है साहबा ने परवाह नहीं किए साहबा ने कुछ टेंशन लिए टेंशन नहीं लिया कि लोग क्या बोलते क्योंकि तो साहबा को लोग क्या बोलते थे, थे बेवकूफ़ क्या अजीब लोग हैं एक है ज़क़त निकालो तो वो मालवीय जकवात निकाल ले रहे हैं कैसे अजीब लोग हैं अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने जाल और जान और माल को अल्लाह की राह में खर्च करो तो जहाद पे निकल रहे हैं और पूरा घर का सामान दे दे रहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हजरत उमर कैसे अजीब पागल लोग हैं तो सहाबा उनको सहाबा को मुनादीन पागल कहते हैं बेवकूफ़ कहते लेकिन सहाबा उस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते उनको पता है कि अल्लाह और उसके रसूल हमारे से राजी है वो खुश है तो आप भी अपने रास्ते पे जमे रहिए और ये ज़्यादा दिन नहीं होता है शैतान के वसवसे रहते हैं जब आपसे वो उम्मीद हो बैठता है तो आपके रिश्तेदारों को वो उकसाता है कि आप वापस से गुनाह की तरफ आ जाए लेकिन एक आप भी दुआ करते रहे और उन पर काम करते रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते रहे ना जिन लोगों ने आपको पत्थर मारे जो लोगों ने आपको क्या क्या कहा पागल मजनू दीवाना जादूगर है ना आपके रिश्तेदार भी थे उसमें शामिल सगा चा अबू लहब सगी चची उम्मे जमील है ना ये सब उसमें शामिल थे कचरा लाला ला कर डाल रहे हैं तो तकलीफ देने वाले हैं आपको और आपको ताने ऐसे ऐसे देंगे कि आप गुस्से में आकर उनसे कुछ कह दे या नहीं की छोड़ दे तब तक वो सुकून में नहीं आएंगे लेकिन इसमें हम नुकसान हमारा है कि आखिरत बर्बाद हो जाएगी तो उन लोगों के लिए हम अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करें तो आप देखिए अल्लाह के रसूल से हमको क्या क्या नहीं बोले अगर हमको को कोई हमारा रिश्तेदार रास्ते में खड़े रहकर पागल बोल दे दीवाना बोल दे जादूगर बोल दे तो कितना बुरा लगेगा आप देखिए लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना वाले नमोनादेगी सब बर्दाश्त किए हुए सारी चीज़ें सहाबा ने सारी चीज़ें बर्दाश्त की तो वैसे हमें भी बर्दाश्त करना है और नेकी पर जमे रहना है अड़े रहना है और कोई अगर कहे कि पहले तुमने इतने गलत काम कर लिए आप बड़े नेक बन रहे तो कहना अल्लाह का फजल हुआ अल्लाह का शुक्र है आप ये सोचो बोलना अगर हम नहीं सुधरते तो और बुरे होते जाते थे तो आपको अच्छा लगता था क्या तो ऐसी बात आप कहेंगे ना उनकी बात समझ में आएगी जो बोलते हैं ना आप अपने एक बन गए पहले बड़े बुरे थे तो आप उनको बोलिए कि अगर हम नेक नहीं बनते और वैसे ही बुरे रहते और बुराई में और आगे बढ़ जाते तो आप हमारे बहन होने के नाते रिश्तेदार होने के नाते क्या इसको अच्छा महसूस करते थे कि हम कभी ना सुधरते तो अब सुधर गए तो अल्लाह का शुक्र है और आप पहले से सुधरे हुए तो बहुत अच्छी बात है तो आप उनको इस तरीके से तो समझाएं और दुआ करते रहे अल्लाह ताला से दुआओं में बड़ा असर होता है ऐसे कई वाकत बच्चे आकर सुनाए कि वो सही दीन की समझ की तरफ जब आए रिश्तेदारों ने बायकाट किया लेकिन पाँच साल दस साल बाद ऐसा हुआ ये दुआएं करते रहे वो लोगों में भी तब्दीली आई वो लोगों ने आकर माफ़ी भी मांगी कि हमसे गलती हुई हम आपको ताने देते थे बुरा कहते थे लेकिन सही बात तो यही थी तो ऐसा होता है तो आप बिल्कुल ना घबराए और ना जो है इस पर चर्न महसूस करें दीन पर अमल करने के लिए अल्लाह ताला बहुत बड़ा मददगार है ठीक है

अस्सलाम वालेकुम आप भी हमारे इस काम में तौन करें अपनी zakat और के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सब आपके मददगार बने रोजाना हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें जज़ाकअल्लाह